भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट, साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रां से बातचीत के बाद अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन के रुख में थोड़ा बदलाव आता दिख रहा है। पुतिन ने यूक्रेन में शांति का प्रस्ताव तो दिया है, लेकिन जेलेंस्की सरकार के सामने कड़ी शर्तें भी रख दी हैं। यूक्रेन की सरकार के इन शर्तों को मानने पर ही पुतिन शांति के लिए तैयार होंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार को पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति से बात की थी और रूसी राष्ट्रपति से अनुरोध किया था कि वे जेलेंस्की से सीधे बातचीत करें। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने पुतिन की शर्तों पर सोमवार को कहा कि यूक्रेन को अपनी सेना को खत्म करना होगा, संविधान में बदलाव करना होगा ताकि वे हमेशा के लिए एक तटस्थ देश बन जाए, क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानना होगा और लुहांस्क तथा जोनेल्स को एक अलग देश के रूप में स्वीकार करना होगा। प्रवक्ता दमित्री पेशकोव ने कहा कि रूस ने यूक्रेन को बता दिया है कि अगर कीव की सरकार उनकी शर्तों को मान ले तो तत्काल सैन्य अभियान को रोकने के लिए तैयार है। रूस के इन कड़ी शर्तों के बाद माना जा रहा है कि यूक्रेन उन्हें खारिज कर देगा, वो भी तब जब यूक्रेन की सेना रूसी सेना को करारा जवाब दे रही है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने उत्तरी पश्चिमी शहर पर फिर से कब्जा बना लिया है। इस दौरान रूसी सेना को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने रूस के दो शीर्ष कमांडरों को भी मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ फोन पर करीब 50 मिनट बातचीत के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत करने का भी आग्रह किया। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेनी और रूसी टीमों के बीच वार्ता की स्थिति के बारे में जानकारी दी। मोदी ने यूक्रेन के चार शहरों कीव, खारकीव, सुमी और मारियुपोल में दिन में संघर्ष विराम करने और मानवीय गलियारों को खोलने की रूसी सेना की घोषणा की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने सुमी से भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने के महत्व पर जोर दिया, जिस पर पुतिन ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से बात की और चल रहे संघर्ष को और परिणामी मानवीय संकट के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।